एक बार एक भेड़ों का झुंड जा रहा था, क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। भेड़ों का झुंड जा रहा था तो उस भेड़ों के झुंड पे शेर ने आक्रमण कर दिया। शेर ने, ध्यान से सुनिएगा ये सत्संग, ये कथाएं आपको क्या याद दिला। और जैसे ही आक्रमण किया तो शेरनी के साथ शेर का बच्चा था, शेरनी ने तो एक भेड़ को खा लिया, लेकिन शेरनी का छोटा सा बच्चा उन भेड़ों के साथ चला गया। अब शेरनी ने बाद में देखा तो पता लगा कि गया, अब कहाँ ढूंढे कहाँ जाए। वो बच्चा उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के साथ बैठता, उन्हीं के साथ खेलता। अब वो ये नहीं समझता था कि मैं शेर हूँ, वो अपने आप को भेड़ समझने लगा। इसलिए तुम भी संसार में आके अपने आप को समझने लगते हो, मैं घर चलाता हूँ, मैंने बच्चों को जन्म दिया है, मेरे कारण ही संसार चलता है। एक दिन फिर एक शेर ने भेड़ों पर आक्रमण किया तो उस शेर ने उस भेड़ों के झुंड में शेरनी के बच्चे को देखा। अब शेर ने उन भेड़ों को छोड़कर शेर के बच्चे को देखा और उसके पास जाके कह रहे, ओए तू इनमें क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं भेड़ हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं इन्हीं का हूँ। शेर ने उसका कान पकड़ा और जलाशय के पास लेके गया, चित्र दिखाया और कहा, देख तेरी सूरत मुझसे मिलती है उनसे। उसने कहा, बात तो ठीक है, अब सुन, तू शेर है क्योंकि तुम मेरे जैसा दिखता है। बच्चे ने कहा, उसने कहा, एक काम और कर, तू जैसे मैं दाड़ मारता हूँ तू भी दाड़ मार। उसने जैसे ही शेर ने दाड़ मारी तो उसने भी दाड़ मारी और वो समझ गया कि मैं भी शेर का और तुसे भी भगवान के बच्चे हो। इसलिए बोल दो, जोर से बोल दो, हाथ उठा के बोल दो, उसको मत बोलना, जो कर रहे हो करिए, लेकिन तुम भी भगवान के बच्चे हो और भगवान से प्रार्थना करिए इस जिम्मेवारी को संभालते संभालते, क्योंकि जिम्मेवारी से भाग के कभी कोई सफल नहीं हो सकता। जब तक तुम पिता के नहीं हुए, जब तक तुम पत्नी के नहीं हुए, जब तक तुम बहन के नहीं हुए और जब तक तुम प्रेम के नहीं हुए, तो तुम परमात्मा के कैसे हो सकते हो? इसलिए पहले खुद के हो जाओ और खुद का वही व्यक्ति हो सकता जो समझ जाए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। और भगवान का बच्चा कितना शक्तिशाली होता है, तो जिस दिन भगवान के बच्चे हो जाओगे सारी परेशानियां। तो भगवान का बच्चा होने के लिए क्या कहना पड़ेगा?